साहब 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 मैं आ गया हूँ साहब, वो रक्षे वाले ने पीछे उतार दिया था, दौड़ कर आया हूँ सर। ओ शुक्रिया यार, अगर एक सेकंड तुम लेट हो जाते तो मैं शीशा तोड़ देता, मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है, जरा जल्दी करना। यार बस 20 मिनट में मैं एयरपोर्ट पे पहुंच रहा हूँ। साहब ये पीछे का दरवाजा खुला है। ओ यार मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ गुम हुआ हुआ है, मैंने खामखा तुमको जहमत दी है, तुम्हारा नंबर मेरे पास आ गया, अगर नेक्स्ट कोई काम होगा तो मैं तुमको जरूर बुलाऊंगा। साहब मेरी मजदूरी, तुमने काम ही क्या किया? साहब ये लाख अगर मैं ना बताता तो आप तो शीशा तोड़ देते, हजारों रुपए आपका नुकसान हो जाता। ठीक यार ये 100 रुपया रखे। साहब 150 रुपए तो रक्षे वाले ने आने के लिए है, 150 जाने के लेगा, 100 रुपए में तो साहब गरीब बंदा हूँ मैं, अपनी मेहनत करता हूँ और यतीम खाने में जाकर सोता हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं गरीब जिनको मैंने सुबह से कोई काम नहीं मिला, मैं काम करके उनके लिए भी राशन लेकर जाता हूँ। यार ये 100 रुपया और रखें, ये भिखारियों वाली बातें छोड़ें जाए। साहब 300 रुपए रक्षे वाले ने ले लेने, कम से कम 500 रुपए तो दे। यार तो तुमने काम क्या किया जो मैं तुमको 500 रुपया दे दूं, और रेडी दरवाजा तो मेरा खुला था। यार ये 200 रखे। साहब 300 रुपए तो रक्षे वाले ने रखे, ये भिखारियों वाली बातें छोड़ें। मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, मैं अपनी मेहनत अपने हाथ से मेहनत करके कमाता हूँ। तो ये बातें तो भिखारी वाली कर रही हो ना सर? क्या बात है क्यों लड़ रहे हैं? नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैंने समझा कि मेरी गाड़ी लॉक है तो मैंने गलती से इसको कॉल कर दी, इसने आके मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया जो कि लॉक नहीं थी, और अब ये भिखारियों की तरह मेरे पीछे पड़ गया, कहता मुझे पैसे दो, चूंकि इसकी मजदूरी नहीं बनती मैंने इसको इसका किराया दे दिया, ये फिर भी मुझसे मांग रहा है। अब आप ही बताएंगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब मैं बताता हूँ, साहब मैं भट्टी वाले से रक्षा करवा कर आया हूँ, रक्षे वाले ने 150 रुपए आने का लिया, साहब मैंने वापस भी जाना है, और मेरी मजदूरी कम से कम ये 500 रुपए तो दें, 200 रुपए देकर कह रहे हैं कि जाएं। यार दे दो बेचारे को, गरीब बंदा है, 500 ही दे दो, काफी दूर से आया है। तो तुम भी इसके साथ मिल गए हो तो तुम दे दो अपनी तरफ से। साहब मैं आपको पूरी हकीकत बताता हूँ, मैं इधर से आया हूँ और ये इस डंडे से ये शीशा तोड़ने लगे थे, ये सारे लॉक बंद थे और ये वाला लॉक खुला था, इसको मैंने खोल के इनको बताया और ये अब लॉक हो गए। लो साहब अब ये अपना लॉक आप खुलवा लें, मैं जा रहा हूँ, ये पकड़ो अपने पैसे। शुक्र है कि मेरा रिस्क तुम जैसे कम जर्फ के हाथ में नहीं रखा, क्योंकि परवरदिगार ने रिस्क का वादा किया है और वही वल्लाह खैर और राज़िकीन है। यार ये क्या कर रहा है? ए सुन यार 500 ले लेना, और यार 1000 ले लेना। यार क्या भूल हो गई।